जुपिटर BS6 ये जो गाड़ी है, कभी आपके गाड़ी का सॉकेट कट कर दिया हुआ, ऐसे काट दिया हुआ, जड़ से आप सॉकेट निकल गया, वो नीचे गिर गया है या उसमें है ही नहीं है, तो आप उसको ज्वाइंट कैसे करोगे? वायर आप कैसे ज्वाइंट करोगे कि इसका वायरिंग थोड़ा से अलग है, जहाँ से आता है वायरिंग वहाँ अलग है, जहाँ से जाता है वायरिंग अलग है, इसे मैचिंग नहीं है। अगर सोचोगे मैचिंग आप देखते रहोगे तो मैचिंग आपको नहीं मिलेगा। तो हमारे वीडियो थ्रू से आप बहुत इजी से वायरिंग का काम कर सकते हो। कभी बाई चांस जैसे सॉकेट वहाँ पर बता रहा हूँ, मीटर का जो होता है, इंडिकेटर, हेडलाइट का, जैसे हॉर्न ऑफ बटन, हेडलाइट का और सेल्फ का, हॉर्न का, ये सब चीज़ का जो बटन होता है, सब एक ही जगह से आया हुआ सॉकेट में लगा हुआ रहता है। तो जो सॉकेट अगर कट जाएगा तो आपको वायरिंग में बहुत तकलीफ़ होगा, बहुत प्रॉब्लम होगा, तो नहीं आपको नया वायरिंग चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हमारे वीडियो थ्रू से बहुत इजी से वायरिंग का खर्चा बचा सकते हो, बहुत इजी से वायरिंग का काम कर सकते हो। तो जो गाड़ी आपको मैंने बताया था जुपिटर BS6, इसका आपको वायरिंग दिख रहा होगा, पूरा वायरिंग जो होता है पूरा देखो कट हो गया है, पूरा चूहे ने कट कर चुके हुए पूरा वायरिंग देख लीजिए। तो इसमें मैं नया वायरिंग नहीं ज्वाइन कर रहा हूँ, जैसे इसको कटिंग करके जैसे पहले था उसी तरीका उसका वायरिंग बना रहा हूँ मैं। ये देखिए, इसका पूरा जड़ से मतलब नज़दीक से पूरा वायर कट कर दिया हुआ, तो इसको समझ लो कुछ काम का नहीं है, समझ लो ख़राब हो चुका हुआ है। तो मैं इसमें वो दूसरा एक सॉकेट डालने जा रहा हूँ, देख लीजिए ये वाला सॉकेट। तो इसमें समझ लो ये 6 वाला है, इसमें 6 वायर इधर 6 वायर इधर, टोटल 12 वायर आता है। इसमें टोटल 7 इधर है और 7 वायर इधर है, तो इसमें 14 वायर है। तो समझ लेना चाहिए कि देखिए, तो इसमें जितना वायरिंग है मैं उतना ज्वाइंट करूँगा। समझ लो 6 एक तरफ है, 6 एक तरफ है, तो 12 हुआ, तो इसका 7 एक तरफ है, 7 एक तरफ हुआ, तो समझ लो 14 हुआ। तो एक वायर थोड़ा बढ़ता है, एक वायर आप कैसे भी उसको ज्वाइंट कर सकते हो। अब इसको मैं वायर ज्वाइंट करके वायरिंग में आपको देखने जाएंगे, तो आपके पास ये सॉकेट अगर जूना वाला है सॉकेट, देख के इसका वायरिंग बहुत ईजी से आप कर सकते हो। अगर वायरिंग इसका सॉकेट समझ लो निकल गया हुआ है, सॉकेट कहीं बाहर गिर गया हुआ है, सॉकेट इसमें नहीं है, तो आप हमारे वीडियो थ्रू से बहुत इजी से वायरिंग का काम कर सकते हो। और बाई चांस ये आपके पास सॉकेट नहीं है तो इसका ओरिजिनल सॉकेट, तो इसको मैं पूरा अच्छे से वायरिंग ज्वाइन कर दे रहा हूँ। ज्वाइन करने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा मैंने कैसे ज्वाइन किया हूँ। इससे गाड़ी का आपको जो हॉर्न बता रहा था, हॉर्न डायरेक्ट हो रहा था, हॉर्न बज रहा था डायरेक्ट, और गाड़ी का सेल्फ स्टार्ट, डक्की स्टार्ट कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि पूरा वायरिंग यहाँ से कट गया हुआ था। तो इसको हम अच्छे तरह से ज्वाइंट करते हैं, और ज्वाइंट करने के बाद आपको दिखाऊंगा कि मैंने कैसे कनेक्शन किया हूं कोई भी सॉकेट लगा के। अभी हमने देखिए सॉकेट लगाया, वो कलर तो कलर नहीं है, कोई भी कलर है इसमें, तो आपको कोई भी सॉकेट है, कोई भी कलर वाला सॉकेट है, तो ये जो वायरिंग जैसे मैं बताऊँगा उसी तरीका आप इसको वायरिंग का काम कर सकते हो। आप एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये सॉकेट नहीं है तो अभी दोस्तों हमने वायरिंग पूरा कट चुके हुए है। बाई चांस कभी ये सॉकेट अगर कट हुआ रहेगा, ये देख लीजिए मैं सॉकेट कौन से बता, मैं अलग से सॉकेट किया हूँ इसका, अगर वायरिंग करने जा रहे हो, अगर सॉकेट समझ लो कट हो गया या पूरा वायरिंग कट हो गया जड़ से, तो इसमें आपको ज्वाइंट करने में तकलीफ होगा, तो हमारे वीडियो थ्रू से बहुत ईजी से वायरिंग का काम कर सकते हो। अभी इसका जो सॉकेट होता है यहाँ से पूरा देखो जड़ से कट हो गया हुआ है। अब मैं इसको ये बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को अगर इसको सॉकेट ज्वाइन करना है, जैसे इसमें आपके पास सॉकेट नहीं है वाला, तो आप इसको कैसे ज्वाइन कर सकते हो आपको तरीके बताने जा रहा हूँ। पहले आप ये देख लीजिए वायरिंग का जो तरीका होता है करने का, आपको इसमें बताने जा रहा हूँ मैं कौन कौन से वायरिंग कैसे कैसे फिटिंग होता है ये वीडियो के अंदर। अब इसमें मैं आपको पीला कलर का बता दे रहा हूँ, इसमें भी देखो ये पीला ज़्यादा है, हल्का से धारी कोई अलग कलर का है ये वाला, ये इसमें कौन से वायर में बैठता है आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये वाला आप ध्यान दे दीजिए, वाला ये देख लीजिए वाला, तो ये कौन से वायर में बैठेगा आपको, मैं इसकी बात बता रहा हूँ, देख लीजिए वापस एक बार, एक ये इसमें ज्वाइंट होगा ये वाला वायर में, कलर देख लीजिए ये वाला,
ये जो जॉइंट होगा। अब इसमें देखो कलर अलग अलग हो जाता है। अब मैं एक वायर बता दिया हूँ, अब दूसरा वायर बताने जा रहा हूँ। इसमें देखिए एक वाइट कलर में पीले अपना ब्लैक कलर काला कलर का है, वाइट जो सफ़ेद कलर का है, ये जाके कौन से बैठा हुआ है सॉकेट कौन से वायर में, एक सफ़ेद कलर का वायर है देख लीजिए जो स्टार्टर के बटन में गया हुआ है, ये वाला वायर मैंने उसमें जॉइन किया, उसमें जॉइन होगा ये सफ़ेद और ये सफ़ेद और काला कलर का वायर, ये सफ़ेद में आएगा। अभी मैंने बता दिया हूँ आपको दो, अब तीसरा बताने जा रहा हूँ। तीसरा देख लीजिए पीला और हरा कलर का है, ये देख लीजिए दो कलर है। ये वायर आपको कहाँ बैठेगा आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये वापस ध्यान दे दीजिए, ये एक कलर है, ये इसमें गया हुआ है, ये वायर मत देख लीजिए, ये वायर देख लीजिए, इसमें ब्लैक काला कलर का उसमें धारी है, चॉकलेटी कलर का कुछ उसमें धारी है वाला, ये वायर आप देख लीजिए, ये वाला वायर इसमें फिटिंग होगा, ये वाला वायर में इसमें दो कलर है देख लीजिए, ये वाला इसमें फिटिंग होगा। अभी आपको बता दिया एक, ये दो, ये तीन, इसमें सब में दो दो वायर है। अभी आपको बता रहा हूँ चौथा देख लीजिए, इसमें भी दो कलर है, एक कलर देख लीजिए, इसमें चॉकलेटी हथम लो हरा कलर का है हल्का से, तो ये वायर आपको कहाँ बैठा हुआ दिख रहा है देख लीजिए, इसका जो ये बदली हो जाता है वायर आगे जाके, ये वाला वायर दोनों जॉइंट करके ये इसमें आता है, ये वाला वायर में आता है, ये एक इसका है आपका हॉर्न का बटन का है, ये वाला ये हॉर्न बटन का है। अब आपको बता दिया एक दो तीन चार, अब पांचवा बताने जा रहा हूँ। इसमें देखो हल्का से एक ही सिंगल वायर है, अब सिंगल वायर किसमें गया हुआ है मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। मैं जो सिंगल वायर है वो हॉर्न के बटन में गया हुआ है देख लीजिए, ये हरा कलर और ये हरा कलर समझ लो मैचिंग हो रहा है, ये इसका ये भी हॉर्न में गया हुआ है। आपको बता दिया कि पांच, एक दो तीन चार पांच, अब बताने जा रहा हूँ छठवा, ये देख लीजिए समझ लो ये हरा वाला ये हरा कलर का हॉर्न में जाता है, जो ए वाला कलर है देख लीजिए, वाला दिख नहीं रहा हूँ आपको, ये देखिए ये वाला कलर जो सिंगल है, ए वाला आया हुआ है स्टार्टर के बटन में देख लीजिए, इसका कलर यहाँ से चेंज हो गया हुआ है देख लीजिए चॉकलेटी कलर का, ए और ये दोनों एक ही समझ लो इसमें जॉइन करना है। ये हरा वाला हरा में चले गया, ये वाला वायर आपको फिर वापस एक बार रिपीट कर दे दिखा दे रहा हूँ मैं, कभी किसी को समझ में आ जाता है किसी को नहीं आता है। ये कलर का वायर ये इसमें जॉइंट हो गया हुआ है देख लीजिए, ये वाला इसमें जॉइंट हो गया हुआ है, और जो काला कलर का इसमें हल्का से काला है वाइट कलर का है, तो सफ़ेद कलर का इसमें वायरिंग गया हुआ है, और ये वाला जो कलर होता है देख लीजिए हरा और तो पीला कलर का वायर है, ये वाला वायर इसमें आपको काला उसमें हेडलाइट का, ये हेडलाइट का सॉकेट है काला, उसमें हल्का से धारी है ये वाला बैठता है, ये कौन से जो आपको बताया था मैंने, ये वाला कलर का ये वाला देख लीजिए, ये इसमें बैठ जाता है, और ये चॉकलेटी उसमें भी हल्का से धारी इसमें बना हुआ ये वाला, ये देख लीजिए ये वाला वायर, ये BS6 गाड़ी है, ये बैठ गया हुआ है समझ लो, ये हॉर्न के अंदर गया हुआ है वायर, ये वाला वायर देख लीजिए, सब बता दिए टोटल, एक दो तीन चार पाँच, ये देखिए तीन तीन चार पाँच छः, पूरा छः वायर बता दिया हूँ। अब कनेक्शन इसी तरीका करोगे बहुत इजी से,
दूसरा सॉकेट बैठ सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बेल आइकन घंटी दबाओगे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा बहुत ईजी से आपके पास पहुँच जाएगा। अभी मैं इसको अच्छे से टेपिंग करके फिर फिटिंग कर दूँगा।